चांदनी चौक सीट से बीजेपी ने कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल को लोकसभा चुनावों के लिए अपना उम्मीदवार बनाया है। कितनी चुनौती है सर इस बार? कोई चुनौती नहीं है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम दिल्ली की 700 सीटें जीत रहे हैं, देश में सरकार बना रहे हैं, अब की बार 400 पार। मुद्दे क्या क्या हैं? मुद्दे भाजपा नेतृत्व जो तय करेगा उन मुद्दों को लेकर के हम कॉन्स्टिट्यूएंसी के हर मतदाता के पास जाएंगे और उन्हें बताएंगे मोदी गारंटी क्या है और पिछले 10 सालों में प्रधानमंत्री जी ने और सरकार ने जो काम किए हैं एक एक काम हम लोगों को बताएंगे जिससे कि और आने वाले 5 सालों में किस प्रकार से भारत का भविष्य सुनहरा होगा उसकी चर्चा सब लोगों के साथ मिलकर के करने वाले हैं। व्यापारी संगठन से आप आते हैं, तमाम व्यापारियों के अलग अलग मुद्दे हैं, क्या उन मुद्दों को भी उठाएंगे? देखिए, ना केवल व्यापारी बल्कि चांदनी चौक के रहने वाले हर व्यक्ति के साथ उसके मुद्दों को हम सुलझाएंगे और ये हमारा वचन है। इंडिया गठबंधन सामने है? वो बेमेल गठबंधन है, वो किसी प्रकार का गठबंधन नहीं है। वो पहले एक दूसरे को कोसते हैं, बाद में अपनी राजनीतिक आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए हाथ मिला लेते हैं। चोर चोर मौसेरे भाई, उनका फेफरेब जाल दिल्ली के लोग जान चुके हैं, लिहाजा उसमें कोई फंसने वाला नहीं है और दिल्ली में 700 सीटें जीत रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। प्रवीण खंडेलवाल, जिनका साफ तौर पर कहना है कि दिल्ली की 700 लोकसभा पर बीजेपी जो है वो अपनी जीत जो है वो दर्ज कराएगी। बीजेपी अपने मुद्दों को, व्यापारियों के मुद्दों को और दिल्ली के जितने भी मुद्दे उन सबको उठाकर जनता के सामने रखेगी। कैमरा पर्सन अजय सिन्हा के साथ सुशांत मेहरा, दिल्ली।